और ये है स्नेक हाउस का साइट, ये बिल्कुल ही अलग साइट पे बनाया गया। अरे यार ये वाकई कुछ सांप तो बाद में मिला, चिपकली कर रहा है, पोज कर रहा है एक्टिव। इसको बोला है ये टीज करते हैं तो वो जरा वो होते हैं ना, मन मारा देखो निकला हुआ सब। उसका घर है यहाँ से, ये अंदर चाहिए इसको, यहाँ से खाना देने आते हैं। मैम इधर आइए, पता है ये रियल फर है, रियली सांप निकाल। किसने डालने है गले में डालने? नहीं नहीं सिरक सिरक ना बोलेंगे ना, सिरक तो ही है ना सांप तो। सोचो हैरी पॉटर रियल होता है, बातें करने के बाद बता। पूरा है ये जो पूरा, हाँ ये अपना पूरा जा रहा है और ये पूरा इस बार के बराबर है। मैं ऐसे नजर नहीं आ रहा, घर जाके देखना इस तरह से वीडियो को। हमारे साथ वही होगा फिर, क्या हो रहा है मामा? मामा मैं देखती हूँ, आते भी हैं सांप। ये भी है यार, ये और ये इसका बोर्ड लिखा हुआ नहीं, कहीं पे लगाया हो नहीं लगाया। ये पीले रंग का सांप है और वो देखो ये कैसे, अगर ये कैप्चर कर रहा हो ना, ये देखो कैसे मुंह निकाल के बैठा हुआ है, लेकिन ये पानी के अंदर बैठ। इसका भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये सारे ना एक्टिव हैं, बिल्कुल फुल एक्टिव हैं, लेकिन वो है जहर इनका निकला हुआ है ना, जैसे कोई अच्छा और खूबसूरती वाली कोई चीज़ नहीं है। दरख्त के ऊपर, दरख्त के ऊपर ये इसका लिखा ना, आवाज़ भी सरसराने की है। और ये देखो ये पानी के अंदर किस तरह से किया है, इसने इसको पानी ही से निकाला है और ये वापस पानी में गया है, लेकिन इसकी आवाज़ ना शोर में पता नहीं चल रही, वाकई सरसरा। ओह
दीवारों के साथ चिपके हुए हैं। ये आवाज आ रही है इसकी। हाँ शीशे के साथ ये सांप है यार। हाँ हाँ नजर आ रहा है। शीशा गंदा बहुत है। वो देखो तो एक साथ जुड़ जुड़ के पड़े हुए हैं सारे। गुच्छा बना लिया इन लोगों ने आपस में एक दूसरे का। पांच छह सांपों ने आपस में गुच्छा बना लिया। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मुर्दा है लेकिन मुर्दा नहीं है। आराम पर मार रहे हैं लेकिन ये है कौन सा अच्छा रेड स्नैक है ना। राफ राफ और ये और टी लिखा हुआ है रेड रेड होगा। बर्मा में पाए जाते हैं। बर्मीज है। अल्लाह करे ये वाइल्ड लाइफ पार्क जो है बहुत दीवार बर्मा में पाए जाते हैं। बर्मीज है। अल्लाह करे ये वाइल्ड लाइफ पार्क जो है चीन में दीवार नहीं जी पूरा अपना ये कतर का कौमी जानवर इसका नाम क्या है। उसने क्या नाम बताया था इसका। ये कतर मक्खी तंग कर रही है बरसात वाली। हाँ बिल्कुल शार्प है। मारता होगा जब तो फिर सोचो उठा लेता है। हाँ बेटा बस इतना भी नहीं आगे जाओ। वो देखे मार्को नहीं है। मारकोद नहीं है। मारकोद बहुत खूबसूरत है बेटा। वो पहाड़ी का जानवर है। तो यहाँ नहीं ना सकते। नहीं बकरी। बकरी किसको बोलते हैं। नहीं मारकोद बकरी नहीं। चलो ना वो सबको घर के अंदर लेके जा रहा है। ये देखो घर जा नहीं रही है मगर और यहाँ पे ज़ेब्रा भी थे और बहुत सारे थे लेकिन वो इतने ज्यादा डिस्टेंस पे थे। उन्होंने बहुत ज्यादा इंसानों से अपना सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ था कि कैमरे से तो बिल्कुल भी कैप्चर नहीं हो पा रहे थे। बहुत अच्छा इन्होंने वाइल्ड लाइफ पार्क को मेंटेन किया है। बहुत खुशी हुई देखकर। और बहुत सारे एनिमल्स हैं एक दो नहीं हैं और उनको प्रॉपर मगर ये है कि उनको तो प्रॉपर एरिया मिला हुआ है कि वो फील करें कि हम वो ऐसे पिंजरे में कैद नहीं है लेकिन बहुत डिस्टेंस होने की वजह
से आपको इसका व्यू क्लियर नहीं है, स्पेशली मंकीज वगैरह का व्यू बिल्कुल क्लियर नहीं था क्योंकि काफी डिस्टेंस पर थे ये। कैंप इसको ऊँट को बिठाते थे और फिर उस पर बैठते थे, अब उन्होंने इसके लिए स्टैंड लगा दिया है कि ऊँट खड़ा ही रहेगा और खड़े में ही आप उतर जाएं, खड़े में ही बैठ जाएं। मेमा आप क्या बनी है हली में? कार्दिशम कार्दिशम बैठे बैठे ना। क्या बोलिशम जो पार्क बना हुआ था यहाँ पे राइड्स थी, जंपिंग कैसल वगैरह थे, तो बस अब सारा कुछ घूमना फिरना हो चुका है और अब हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो चुका। ये टाइम हो रहा था शाम के 4:30 बजे का और बस अब हम घर की तरफ रवाना है और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा इन्होंने पार्क मेंटेन किया हुआ था, बहुत सारे एनिमल्स थे और उनके लिए एरिया भी काफ़ी बड़ा था। बस एक मिसिंग था जो के था हाथी, हाथी यहाँ पर नहीं था, वो होता तो और मज़ा इसका दोबाला हो जाता। कहती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।